अब हम एक और वैलिडेटर चेक देखेंगे जिसका नाम है कस्टम वैलिडेटर। पहले हम दो रेडियो बटन ले लेंगे जेंडर के लिए, टेक्स्ट फील्ड सेट कर देते हैं मेल, उसका ग्रुप नेम सेट कर देंगे, और रेडियो बटन ले लेंगे फीमेल के लिए, और उसका नाम रखेंगे फीमेल के अंदर, और ग्रुप नेम में रखेंगे जेंडर। हमें कस्टम वैलिडेटर पहले देखते हैं रिक्वायर्ड, जैसे कि हमें ऐसे इसमें रिक्वायर्ड लगाना है कि कोई एक सिलेक्ट करा हुआ ही होना चाहिए। पहले हम देखेंगे कि रिक्वायर्ड वैलिडेटर चलता है कि नहीं। पहले हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है कंट्रोल टू वैलिडेट, लेकिन इसमें रेडियो बटन का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, इसलिए ये नहीं चलेगा। इसके लिए कस्टम वैलिडेटर का यूज करना पड़ेगा। पहले कस्टम वैलिडेटर ले लेते हैं, करते हैं। यहाँ पर पहले हम एरर मैसेज डाल देंगे, प्लीज चेंज, और फिर इसका एक इवेंट होता है सर्वर वैलिडेशन। यहाँ पे हम चेक करवाएंगे ये रेडियो बटन वन जो मेल वाला है उसका चेक इवेंट होता है, तो रेडियो बटन टू चेक टू दोनों में से कोई भी चेक है तो हम इसका इसमें यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है ये वाला, इसका इवेंट है तो पैरामीटर पास आ रहा है वैल्यू, इसकी वैल्यू हम कर देंगे ट्रू, अदरवाइज हम करेंगे फॉल्स। अब जब नहीं पहले हम रिक्वायर्ड वैलिडेटर आ रहा हूँ, पासवर्ड ने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें आ रहा है मैसेज प्लीज सिलेक्ट चेंज। अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं, चला गया। तो ऐसे होता है कस्टम वैलिडेटर का यूज।